हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। जो स्टॉक्स आज के लिए जो है इंट्राडे के हिसाब से मूवमेंट करने वाले हैं, उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्टॉक है लॉरस लैब। इस स्टॉक में आपको मोमेंट कल देखने को मिल सकता है, एक पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर स्टॉक 293 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मतलब 293 के ऊपर स्टॉक चला जाए, तो आपको 299 तक का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा बाइंग साइड में। ठीक है, दूसरे स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर स्टॉक में अभी आपको बाइंग साइड में मूवमेंट में ट्रेड मिल सकता है, लेकिन आप इसमें एंट्री लेंगे 245 के ऊपर, 245, क्योंकि यदि स्टॉक नीचे गैप डाउन खुलता है और यहां से रिकवर करने का प्रयास करता है तो आपको 245 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन यदि स्टॉक 245 के ऊपर निकल जाए तो आपको 252 रुपए तक का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है सोना VLW। सोना VLW में भी आप इंट्राडे के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन ले, नीचे आए और आपको 605 के आसपास आता हुआ दिखे, और फिर आपको इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिले। जैसे ही आपको रिकवरी देखने को मिलेगी तो 623 तक के टारगेट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यदि स्टॉक 615 क्रॉस कर दे तो आप डायरेक्ट भी बाइंग जा सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर रिटेस्ट करने आता है तो रिटेस्ट करने दीजिए। ठीक, उसके बाद है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक। इस स्टॉक में भी आपको 108 रुपए पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 111 पर, 115 का टारगेट है। स्टॉक रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है, संभावना है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप वेट करेंगे और स्टॉक को नीचे आने देंगे, और देन रिकवरी होने पर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और यदि स्टॉक 111 बल्कि कहूँ 112 का लेवल ऊपर पार कर देगा तो 115 का टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, तो इसमें अगर स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिल सकता है 135 के टारगेट के लिए। ठीक है, इसमें आप 135 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 133.55 रुपए के लेवल को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अगला स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्टॉक में भी आपको ट्रेड मिल सकता है। स्टॉक अगर 50.50 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो 51.30 रुपए का टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।